नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशु और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल मिस्टर आशु टेक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा लोगों ने सवाल पूछा है, बहुत ही लोगों का कंफ्यूजन है, बहुत लोगों ने कमेंट भी किया है, बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पर्सनली ये चीज पूछी है कि शेयर चैट पर जो बैज मिलता है क्या वो कितने फॉलोअर पे मिलता है और कैसे मिलता है। तो ये सवाल का जो कंफ्यूजन है काफी क्रिएटर के माइंड में है। कहने का मतलब है अगर 100% क्रिएटर शेयर चैट पर हैं तो उनमें से 80% क्रिएटर को ऐसा लगता है कि शेयर चैट पर फॉलोअर के हिसाब से पैसा दिया जाता है, जबकि शेयर चैट पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि शेयर चैट पर फॉलोअर पे आपको बैज मिलता है या बैज नहीं मिलता है, और बैज मिलता है तो किस क्राइटेरिया पे मिलता है और कैसे मिलता है। आज की इस वीडियो में यह सारा क्लियर कर दूंगा। कोई भी आपके मन का जो सवाल है, जो भी आपने इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, जो कंफ्यूजन है, वो आज इस वीडियो के थ्रू से मैं कंफर्म कर दूंगा कि वो सही है या गलत है, आप सही हैं या फिर शेयर चैट सही है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक और बिना स्किप के वीडियो को देखिए। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ शेयर चैट से रिलेटेड ही वीडियो मिलती है और एक अच्छे विश्वास के साथ साथ आपको एक अच्छा कंटेंट भी दिया जाता है। मैं कोई भी धोखाधड़ी आपके साथ नहीं करता हूँ, आपके सभी के क्वेश्चन का रिप्लाई देता हूँ। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्या क्यों भी आपके मन में सवाल है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी के कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, और आज का जो हमारा टॉपिक है, शेयर चैट पर कितने फॉलोअर पर बैज दिया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, शेयर चैट पर बैज क्राइटेरिया जो होता है वो होता है आपकी कॉन्टेंट क्रिएटिविटी कैसी है। जी हाँ दोस्तों, आपकी कॉन्टेंट क्रिएटिविटी कैसी है उस टॉपिक उस आधार पर आपको बैज दिया जाता है, ना कि आपको आपके फॉलोअर के हिसाब से बैज दिया जाता है। अब मान लीजिए इधर आप एक प्रोफाइल देखिए, ये प्रोफाइल है, इसमें बहुत कम फॉलोअर हैं और काफी कम पोस्ट हैं, लेकिन फिर भी इसके पास बैज है। अभी आप दूसरी पोस्ट देखिए, इसमें काफी सारे फॉलोअर हैं लेकिन और पोस्ट भी काफी ज्यादा है लेकिन बैज कोई सभी नहीं है। अब आपके मन में सवाल होगा, शेयर चैट ऐसा क्यों कर रहा है, हमारे पास तो इतने सारे फॉलोअर हैं, इतनी सारी पोस्ट की हुई है, हमें बैज नहीं दिया है, इसको बैज दे दिया है। आपके मन में ये सवाल चलते होंगे, या फिर हमारे दोस्त को कम फॉलोअर हैं, हमसे कम पोस्ट है, फिर भी उसको बैज दे दिया, ऐसा आप कभी ना कभी सोचते होंगे जरूर। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी उसके काम करने का तरीका, अपने काम करने का तरीका के बीच में कॉम्पिटिशन किया है या फिर कंपेयर किया है एक दूसरे से कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। बैज लेने के लिए बंदा जिसके पास कम है, यानी कि जो आपका दोस्त है जिसको आपसे कम फॉलोअर पे बैज मिल गया है, उसके पास बैज है, उसने बैज लेने के लिए बहुत मेहनत की, अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट बनाया, खुद से अपनी जो भी कुछ किया सारा कुछ अपना किया, कहीं से कॉपी नहीं किया, कहीं से वीडियो उठा के अपनी पोस्ट में नहीं डाला, क्योंकि उसको पता था उसको शेयर चैट पे आके बैज लेना है, ना कि उसको फॉलोअर कमाने हैं। फॉलोअर भी कमाएगा जब उसको बैज मिल जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली रीच मिल जाएगी। अभी आपकी बारी आती है, आपको बैज क्यों नहीं मिला ज्यादा फॉलोअर पे, मैं बताता हूँ। अभी आप उसका रीजन क्या होता है, सबसे पहली बात तो आप कॉपी पोस्ट कर रहे होते हो, सबसे पहली बात, सबसे बड़ा रीजन यही है, आप कॉपी पोस्ट कर रहे होते हो इस वजह से आपको बैज नहीं मिलता है, सबसे बड़ा रीजन यही है। आपके फॉलोअर तो बड़े हैं उन कॉपी पोस्ट से, हालांकि आपके लाइक भी आएंगे, आपके व्यूज भी आएंगे, आपके फॉलोअर भी दबा के इंक्रीज होंगे, लेकिन क्या फायदा, आपको बैज ही नहीं मिलेगा तो आपको क्या फायदा बताइए। जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, ये मन में ठाने बैठे हैं कि हमें बैज मिलेगा, हमारे फॉलोअर इतने हो गए हैं, हमें बैज मिलेगा, अब हमको बैज मिलेगा, बार बार फॉर्म भर रहे हैं, बार बार दूसरों से जानकारी ले रहे हैं, बैज क्यों नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा, लेकिन बैज नहीं मिल रहा। आपने वो चीज नहीं देखा है कि किस वजह से बैज नहीं मिल रहा है, बस आपको कहीं से पोस्ट उठाई, यूट्यूब से डाउनलोड करी, इंस्टाग्राम से डाउनलोड करी, टेलीग्राम से डाउनलोड की, अपनी प्रोफाइल में डाल दी लाके, उसका क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं। आपने क्या किया, सिर्फ डाउनलोड की, पोस्ट की, और कुछ थोड़ी नहीं किया, आपने मेहनत नहीं की। लेकिन उस वाले बंदे ने पोस्ट को खुद से बनाया, खुद से म्यूजिक ऐड किया, खुद से उसने सारा कुछ काम किया, उसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉन्टेंट, और जिस जो आपने कहीं से उठा के डाल दिया वो हो गया कॉपी कॉन्टेंट। तो आप अगर कॉपी कंटेंट कर रहे हैं तो फॉलोअर तो बढ़ा लेंगे लेकिन आपको बैज नहीं मिलेगा। आपके
1 लाख फॉलोअर हो जाएं, 2 लाख फॉलोअर हो जाएं, 3 लाख फॉलोअर हो जाएं, कोई मैटर नहीं करता। आपको बैज मिलेगा आपकी कंटेंट क्रिएटिविटी के आधार पर कि आप कैसा कंटेंट बना रहे हैं। अब मान लीजिए आपके 50 फॉलोअर हैं और आपने 500 पोस्ट की है और वो पोस्ट है बहुत ज्यादा ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल पोस्ट है, बिल्कुल भी कॉपी नहीं किया हुआ है, और आपकी प्रोफाइल शेयर चैट को रिव्यू में जाएगी ना, तो 110% में दावे से कहता हूँ आपको बैज मिल जाएगा। क्योंकि बैज जो बना है वो एक ओरिजिनल क्रिएटर की पहचान है। आप मेरे पर मान लीजिए हम इंडियन हैं और हमें जो फ्लैग मिला हमारा इंडियन तिरंगा है वो हमारी पहचान है। अगर हम अपने सीने पे यहाँ पे लगा के चलेंगे तिरंगे का झंडा तो हमको दूर से देख के दूसरे देश का आदमी समझ जाए कि इंडियन है, तो वो हमारी पहचान हो गई। और शेयर चैट पर जो बैज दिए होते हैं ये हमारी पहचान होती है, क्रिएटर की पहचान होती है, ये बंदा इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह का क्रिएटर है और ये बंदा ओरिजिनल है, ना कि किसी का कॉपी करता है, अपना खुद का कंटेंट बनाता है। तो ये होता है अपना खुद का कंटेंट वालों का बैज, ना कि कॉपी करने वालों का बैज। अभी मान लीजिए हम ही इंडियन हैं और सामने पड़ोसी देश का हम पाकिस्तान का झंडा अपने यहाँ पे लगा के चल पड़े तो कोई हमको क्या बोलेगा? इंडियन थोड़ी बोलेगा, पाकिस्तानी बोलेगा, आतंकवादी बोलेगा। ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए आपको। और ये जो आपका सवाल है, आपके मन का जो सवाल है कि शेयर चैट पर फॉलोअर हमारे इतने हो गए हैं और इतने इसके हैं, इसको बैज मिल गया लेकिन हमको नहीं मिला, इसी कारण से आपको बैज नहीं मिला, तो शेयर चैट पर बैज आपको तभी मिलेगा जब आप कंटेंट क्रिएटिविटी दिखाएंगे, अपनी अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाएंगे, तो आपको बैज बहुत आसानी से मिल जाएगा। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको बैज मिल जाएगा। क्योंकि अब तो सिस्टम इतना एल्गोरिदम इतना एडवांस हो चुका है, आपकी प्रोफाइल में ही सारा कुछ सिस्टम चलता है। आप वहां पर देख सकते हैं जाकर के क्रिएटर हब में जाकर देख सकते हैं आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सारा कुछ वहां पे सब डेटा दिखाता है। तो आपके मन का ये जो सवाल था मैंने क्लियर कर दिया है। शेयर चैट पर आसान बात में कहूं तो आपको फॉलोअर पे बैज नहीं दिया जाता है, आपके कंटेंट क्रिएटिविटी के आधार पर आपको बैज दिया जाता है। आप ओरिजिनल क्रिएटर हैं तो आपको बैज मिल जाएगा, आप कॉपी क्रिएटर हैं तो आपको बैज नहीं मिलेगा, चाहे आपके फॉलोअर बुलंदियां छू रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो आपको बैज नहीं मिलेगा। तो सीधी सी आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, शेयर चैट से रिलेटेड कोई सवाल है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके सभी के कमेंट का रिप्लाई देता हूं, सभी का कमेंट पढ़ता हूं। और कोई ज्यादा पर्सनल बात है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका वहां पर भी सबका रिप्लाई देता हूं। तो कोई भी दिक्कत हो हमें जरूर बताइएगा, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, क्योंकि हमने ये चैनल सिर्फ आपके लिए खोला है और हम इस चैनल पर शेयर चैट से रिलेटेड ही वीडियो बनाते हैं। तो तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ फिर किसी ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।